सो गाइस, प्रो कबड्डी सीजन 7 की चैंपियन टीम बंगाल वॉरियर्स आखिर प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में कौन से प्लेयर को खरीदना चाहेगी, आखिर कौन से प्लेयर्स पे आप सबसे ज्यादा नजरें बंगाल वॉरियर्स की टीम की रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन से पहले यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम ने टोटल 3 इलीट प्लेयर्स को यहाँ पे रिटेन किया, जो यहाँ पे मनिंदर सिंह, मोहम्मद इस्माइल, लवी बक्स एंड साथ ही साथ रिंकू नरवाल थे। एंड वहीं पे दोस्तों, रिटेन यंग प्लेयर्स में आप रविंद्र रामेश कुमावत थे। अब दोस्तों, यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम ने टोटल 2 रेडर, 1 ऑलराउंडर एंड साथ ही साथ 1 डिफेंडर को रिटेन किया। अब यहाँ पे दोस्तों, प्रो कबड्डी सीजन 7 में बंगाल वॉरियर्स की टीम ने बहुत सा परफॉर्मेंस दिखाया था एंड यहाँ पे ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं जिन्होंने बेकार परफॉर्मेंस दिखाया। पे मोहम्मद इस्माइल, लवी बक्स, मनिंदर सिंह, बलदेव सिंह, रिंकू नरवाल सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। अब दूसरी, यहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी के कारण बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे रिलीज हो गए, बिकॉज जो बेस प्राइस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा था एंड जो पर्स लिमिट है वो यहाँ पे बहुत कम था, इसी के कारण यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे रिलीज हो गए हैं। अब दूसरा बात करते हैं, आखिर कौन से प्लेयर को यहाँ पे टारगेट करने वाली, यहाँ पे टोटल में 5 प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूँ। तो कैसे यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले प्लेयर की, तो कैसे यहाँ पे लिस्ट में सबसे पहले प्लेयर में नाम निकल के आता है बलदेव सिंह का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बलदेव सिंह को यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम ने रिलीज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे रिलीज करने के बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम बलदेव सिंह पे टारगेट करने वाली है, बिकॉज यहाँ पे बलदेव सिंह एंड साथ ही साथ रिंकू नरवाल का जोड़ी बहुत है यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 7 में हमें देखने को मिला था। गाइस यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में बलदेव सिंह को जरूर यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम टारगेट करने वाली है। अब दूसरा बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो गाइस यहाँ पे दूसरे प्लेयर में नाम निकल के आता है प्रदीप नरवाल का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रदीप नरवाल भी बंगाल वॉरियर्स की टीम यहाँ पे टारगेट करने वाली है प्रदीप नरवाल को। अब यहाँ पे जितने प्लेयर्स यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम ने रिटेन किए इतने पर्स तो नहीं हो गए, लेकिन यहाँ पे अगर चाहेगी 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख इतने तक अगर चाहेगी तो यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स में भी प्रदीप नरवाल को किसी भी हाल में खरीद सकती है। इतना तो पावर बंगाल वॉरियर्स के पास तब भी रहने वाला है प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में। अब दूसरे बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, तो कैसे यहाँ पे तीसरे प्लेयर में नाम निकल के आता है हादी ओस्तराक का। जी हाँ दोस्तों, हादी ओस्तराक एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। अब पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया एंड ज्यादा मैचेस में हादी ओस्तराक यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं देखने को मिला एंड पटना पायरेट्स की टीम इनको रिलीज कर दिया, लेकिन यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम एक और बेहतर ऑलराउंडर ढूंढेगी जो यहाँ पे परफेक्ट हादी ओस्तराक रहने वाले एंड यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम हादी ओस्तराक को टारगेट कर सकती है पीकेएल 8 के ऑक्शन में। अब दूसरा बात करते हैं चौथे प्लेयर की, तो कैसे यहाँ पे चौथे प्लेयर में नाम निकल के आता है सुरजीत सिंह का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सुरजीत सिंह बहुत ही अच्छे डिफेंडर है, प्रो कबड्डी सीजन 7 में यहाँ पे पुनेरी पल्टन की टीम की तरफ से खेले थे, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन यहाँ पे बेस्ट प्राइस के चलते यहाँ पे पुनेरी पल्टन की टीम ने इनको रिलीज कर दिया एंड यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में सुरजीत सिंह देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे अगर सुरजीत सिंह को यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम खरीद लेती है तो कैसे यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के डिफेंडर्स बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पांचों प्लेयर की, तो कैसे पांचों प्लेयर भी एक डिफेंडर है जो है मोहित चिल्लर। जी हाँ दोस्तों, मोहित चिल्लर भी एक बहुत ही अच्छे डिफेंडर है। अब यहाँ पे दोस्तों, तमिल थलाइवास की टीम की तरफ से मोहित चिल्लर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब के डिफेंडर है उस हिसाब के यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें प्रो कबड्डी सीजन 8 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मोहित चिल्लर दिखाए गए एंड यहाँ पे मुझे लगता है मोहित चिल्लर जैसे डिफेंडर या फिर मोहित चिल्लर को यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम यहाँ पे टारगेट करने वाली है। तो कैसे यहाँ पे आपको 5 प्लेयर्स के नाम बता दिया जो यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम टारगेट करने वाली है। अब इन प्लेयर्स को नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे इसी टाइप के किसी प्लेयर्स को यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम ढूंढेगी एंड ज्यादा से ज्यादा रेडर्स एंड डिफेंडर्स पे यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम टारगेट करने वाली है। सो गाइस, आपके हिसाब से कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको बंगाल वॉरियर्स की टीम खरीदनी चाहिए, कौन से प्लेयर्स यहाँ पे आप बंगाल वॉरियर्स की जर्सी में देखना चाहते हो, यहाँ पे एक बार कॉमेंट करके जरूर बताएगा। एंड हाँ गाइस, जो प्रो कबड्डी के छोटे बड़े जो भी अपडेट्स निकल के आती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो गाइस, मेक श्योर हमारे टेलीग्राम अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो को एंड करते हुए आपको थोड़ी पसंद को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।